हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सीए इंटर के अंदर हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूं कि चाहे आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, चाहे आपका फिफ्थ अटेम्प्ट है, इस अटेम्प्ट के अंदर आप 101% अपना सीए इंटर निकाल लेंगे। और अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं तो 101% आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। आप बहुत एफर्ट्स करते, आपने जिस दिन सीए कोर्स के बारे में सोचा था कि आपको सीए करना शुरू करना है, बाय डिफॉल्ट एफर्ट्स करने आपने शुरू कर दिए थे। द ओनली प्रॉब्लम इज कि उस एफर्ट्स को डायरेक्शन नहीं मिल पा रही। आप पढ़ते हैं 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे, फिर भी जिस दिन आपका रिजल्ट आता है उस दिन आप परेशान हो जाते हैं कि हे भगवान ये क्या हो गया। गलती कहाँ हो रही है, आप इस वीडियो को समझिए। और इसके अंदर एक ऐसी ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक ऐसी टिप देने जा रहा हूँ जिसकी वजह से मेरा खुद का सीए इंटर निकला था, और इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, आप बोध ग्रुप के पेपर देते हैं, उसमें 8 पेपर आपके होते हैं, टोटल वेटेज होती है 800 नंबर की। उस 800 में से आपको 400 नंबर जो है वो लाने होते हैं। हमारा सबसे पहला टारगेट होता है कि 400 नंबर आए, उसके बाद टारगेट होता है 500 प्लस आ जाए, उसके बाद टारगेट होता है रैंक आ जाए। लेकिन सबको इसके लिए तो मेहनत करनी ही करनी है। ये कैसे आएंगे? बहुत सिंपल सी चीज, देखो आप ये शपथ ले लो कि आपको सबसे पहले ये जो सामने मैंने लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दिए हैं ये सबसे पहले पूरा करना है। सेट असाइड द कंप्लीट सिलेबस। सबसे पहले आपको AS कंप्लीट करने, जो कि हमें पता है एग्जाम में कम से कम 50 नंबर के आएंगे अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स मिला करके। उसके बाद हमें सबसे पहले पूरा करना है जो कि हमें पता है 40 नंबर का आएगा। GST फिर करना है 40 नंबर का, SM करना है 50 मार्क्स का, ECO 40 मार्क्स, ऑडिटिंग में SA 30 नंबर। भूल जाओ सब कुछ, अकाउंट्स के चैप्टर्स, कॉस्टिंग, FM, EIS और एडवांस अकाउंट्स के चैप्टर, इनकम टैक्स। अभी एक बार आप सबसे पहले इन चीजों पे फोकस करो। मतलब आपने एक शपथ लेनी है कि आपके दिन के 4 घंटे इन पे जाने ही चाहिए। आपको 4 घंटे देने ही देने। देखो इनका टोटल 250 नंबर का है और ये सबसे आसान और स्कोरिंग एरिया है। और होता क्या है कि आप इन्हीं को ध्यान में नहीं देते क्योंकि आपको सबसे आसान लगता है, आसान लगता है, टाइम नहीं देते। टाइम नहीं देते इस वजह से एग्जाम में नंबर नहीं आते। इस पे आप टाइम देके देखो, इस बार 250 में से 80% नंबर कम से कम आएंगे, 200 नंबर आपके यहां से सिक्योर होते हैं। आप इस चीज को प्लीज समझो, छोटा भाई की तरह, बहन की तरह आप लोगों को समझा रहा हूं। क्योंकि देखो, जब इंटर का रिजल्ट नेगेटिव आता है ना, बहुत दिल में दुख पहुंचता है। ये बात मैं बहुत अच्छे से समझता हूं। वो आंख के आंसू जो निकलते हैं ना, वो किसी से देखे नहीं जाते उस समय। इस चीज को आप समझने की कोशिश करिए जो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाह रहा हूं। आप सिर्फ इन पे फोकस करिए। डेली 4 घंटे आपने सिर्फ ये पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना। ये आपके 250 में से 80% 200 नंबर आ गए, अब बाकी 200 कैसे आएंगे? आप बाकी का जो भी 6-7 घंटे की पढ़ाई करते हैं उसमें आप बाकी जो करना है आप करिए। आपको मैं एक बड़ा सिंपल सा एनालिसिस देता हूं कि सपोज आपका, देखो 250 नंबर का सिलेबस है, बाकी बचा 550 नंबर का। आप एक मिनिमम नंबर भी लाते हो ना, कॉस्टिंग में से 100 में से 40, FM में 60 में से 25, टैक्स में 60 में से 25, ये मिनिमम नंबर भी लाते हो आप। देखो कितने कम नंबर है, और इतने तो हर बच्चे के आते होंगे। आप देखो ऑडिट में 70 में से 25, 30 कैसे आएंगे? कंपनी लॉ में से 60 में से 20, 50 में से 15, EIS में इतने बुरे नंबर, और क्या चाहिए? तब भी आपका 210 बनता है। और 210 जमा 200 कितना होता है? 410 नंबर। आप मेरी बात समझ लो मेरे बच्चे, आप इस चीज को अगर समझ गए, आपके सीए इंटर बोध ग्रुप 101% निकलने ही निकलने हैं। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आज आपसे, आपको ये नहीं बोलूंगा कि इस वीडियो को पहले लाइक करो। आज मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जो दोस्त फंसा हुआ है सीए इंटर के अंदर, जो सीनियर, जो जूनियर सीए इंटर के अंदर फंसा हुआ है बहुत अटेम्प्ट से, आप उस वीडियो को उसके साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो उसके लिए लाइफ सेवर का काम करे। और ये वादा आपके चंदन पोद्दार सर का पर्सनल है, एक अटेम्प्ट,
एक अटेम्प्ट मुझे देके देखो, मेरी ट्रिक को देके देखो, अगर आपका सीए इंटर ना निकले तो आप मुझे बोल देना कि सर आपकी ट्रिक को मैंने सीए इंटर दिए थे और नहीं निकला। यहाँ मैंने 100 नहीं लिखा, यहाँ श्याम बाबा के आशीर्वाद से 101% लिखा है और कुछ सोच समझ के लिखा है। तो इसी तरीके से आपको फॉलो करना है। इसके अलावा ये 4 वीडियोस मेरी हैं जो आपके लिए यूज़फुल हो सकती हैं, जिसके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिए हैं, और कमेंट के अंदर नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे सीए इंटर के लिए वीडियो चाहिए ज़रूर बताइएगा, सो दैट उस पे मैं वीडियो अपनी रिकॉर्ड कर सकूं। जाते जाते एक और चीज़, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एंड प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम।